Good morning students, welcome to our book reading session. Today we will read the chapter The Human Body. So let's start the chapter. Our body is a wonderful machine. Hamari body ek wonderful machine hai. There are various external as well as internal organs present in our body. Hamari body mein external ke saath saath internal organs bhi present hain. A group of organs working together to perform a major function from the organ system. एक group of organs यानी जब एक साथ कुछ organs मिलकर किसी major function को यानी कोई काम को करते हैं तो उसे हम organ system कहते हैं. Our body has several organ systems. हमारी body में कई organ systems present हैं. Different systems help our body to perform different functions. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. अ बॉडी सिस्टम कीप्स फंक्शनिंग वेदर वी आर अवेक और स्लीप. हमारी बॉडी में फंक्शंस होते रहते हैं हम जगे हो या सोए हुए हों. फ्रॉम हेड टू टो आवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू हेड, नेक, मिडिल पार्ट, टू आर्म्स एंड टू लेग्स. हेड टू टो यानी सिर से पैर तक हम अपनी बॉडी को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हेड नेक मिडिल पार्ट आर्म और टू लेग. द हेड कंटेन्स आईज नोज माउथ एंड ईयर्स. हमारे हेड में होता है आईज नोज माउथ एंड ईयर्स. दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. इन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. जिन बॉडी पार्ट्स को हम बाहर से देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन. फर्स्ट इज ब्रेन. आवर ब्रेन कंट्रोल्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी. हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. इट इज द सीट ऑफ थिंकिंग इमेजिनिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. हमारे ब्रेन में हम थिंकिंग कर सकते हैं, चीजें इमेजिन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन दैट वी कैन स्टैंड, वॉक, रन, सिंग, स्पीक, रीड, राइट, लर्न न्यू थिंग्स, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड फील हॉट और कोल्ड. हमारी ब्रेन के हेल्प से ही हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, गाना गा सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, इमोशंस को समझ सकते हैं यानी भावनाओं को समझ सकते हैं और ठंडा या गर्म फील कर सकते हैं. आवर ब्रेन इज वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव ऑर्गन. हमारा ब्रेन बहुत ही कोमल और संवेदनशील ऑर्गन है. इट इज प्रोटेक्टेड बाई बोनी स्कल. ये हमारा जो ब्रेन है वो हमारे स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है जो बोन से बना हुआ है. ब्रेन सेंस एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम आवर बॉडी एंड गाइड्स अस व्हाट टू डू इन अ सिचुएशन. ब्रेन हमारे बॉडी के पार्ट को सिग्नल भेजता है और गाइड करता है कि हमें किस सिचुएशन में यानी किस परिस्थिति में क्या करना है. इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर एंड कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी कॉल मेमोरी. हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसमें हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और इसे हम मेमोरी कहते हैं. डू यू नो दैट ह्यूमन ब्रेन इज 75% ऑफ वाटर. क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन 75% वाटर का बना होता है. द ब्रेन ग्रोज क्विकेस्ट टिल द एज ऑफ 5. हमारा ब्रेन 5 साल की उम्र तक बहुत जल्दी बढ़ता है. नेक्स्ट इज लंग्स. लंग्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी. लंग्स हमारी बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन में से एक है. वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग. हमारे पास अ पेयर ऑफ लंग्स यानी दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई रिब केज. हमारा लंग रिब केज से प्रोटेक्टेड रहता है. वी यूज आवर लंग्स टू ब्रीद इन एंड आउट. हम अपने लंग्स का यूज सांस लेने और छोड़ने में करते हैं. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. हम ऑक्सीजन से भरपूर एयर ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर एयर बाहर छोड़ते हैं यानी ब्रीद आउट करते हैं. एयर इज ब्रीद इन
थ्रू द नोज और माउथ एंड पुल डाउन इन टू द लंग. हम नोज या मुंह की हेल्प से ब्रीद इन करते हैं और हवा को लंग्स तक पहुंचाते हैं. लंग्स सप्लाई आवर बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं. अ हेल्दी मैन रेस्पायर्स अबाउट 12 टू 15 टाइम्स पर मिनट. एक हेल्दी पर्सन दिन एक मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है और पूरे दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है. वी ब्रीथ रेस्पायर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग डे एंड नाइट. हम दिन और रात कंटिन्यूसली सांस लेते हैं. वी आर बॉर्न विथ पिंक लंग्स बट द कलर ऑफ आवर लंग्स डार्केंस विथ टाइम एज वी ब्रीथ इन द पोल्यूटेड एयर. जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लंग्स का कलर पिंक होता है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे लंग्स का कलर डार्क होता जाता है, क्योंकि हम पोल्यूटेड एयर ब्रीद करते हैं. नेक्स्ट इज हार्ट. द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी. एक हार्ट ह्यूमन बॉडी का सबसे पावरफुल ऑर्गन होता है. इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. ये मसल्स का बना हुआ होता है. इट इज वेल प्रोटेक्टेड ऑल अराउंड बाई द रिब केज. हमारा हार्ट रिब केज से चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है. ह्यूमन हार्ट हैज फोर चैम्बर्स. ह्यूमन हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. आवर हार्ट पंप द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू आवर होल बॉडी. हार्ट ऑक्सीजन रिच यानी ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड हमारे पूरे बॉडी में भेजता है. इट ऑल्सो रिसीव द लो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू लंग फॉर प्योरिफिकेशन. और हमारी बॉडी में जो लो ऑक्सीजन वाली ब्लड होता है उसको रिसीव करके लंग में भेजता है, जहाँ से ब्लड फिर से प्योरीफाई होता है. वी कैन फील एंड हियर आवर हार्ट बीट. हम अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं और सुन सकते हैं. एन अडल्ट ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट. एक अडल्ट ह्यूमन यानी बड़े आदमी का हार्ट एक मिनट में 72 बार यानी 72 टाइम्स धड़कता है और पूरे दिन में 100,000 बार धड़कता है. आवर हार्ट बीट गेट फास्टर व्हेन वी रन. हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है जब हम दौड़ते हैं. अ वुमेन्स हार्ट बीट फास्टर देन दैट ऑफ अ मैन. एक वुमेन का हार्ट एक मैन के हार्ट से तेज धड़कता है. अ ह्यूमन बींग्स हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ दैट ह्यूमन बींग्स फिस्ट. एक ह्यूमन बींग का हार्ट उसके फीस यानी मुट्ठी के साइज के बराबर होता है. नेक्स्ट इज किडनीज. वी हैव टू बीन शेप एंड पेल रेड कलर्ड किडनीज द लेफ्ट एंड राइट वन. हमारी बॉडी में बीन शेप यानी बीन के शेप के पेल रेड हल्के रेड कलर के किडनीज पाई जाती हैं द लेफ्ट एंड द राइट वन. द किडनीज क्लीन आवर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस वाटर. किडनीज ब्लड को क्लीन करने का काम करती हैं और उससे वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर को रिमूव करती हैं. दे ऑल्सो कीप मिनरल्स विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट इन द बॉडी. किडनीज हमारी बॉडी से मिनरल्स विटामिन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी लॉस होने से बचाती है. द किडनीज प्रोड्यूस यूरिन एंड पास इट डाउन इन टू द ब्लैडर. किडनीज यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और उसे ब्लैडर में भेजने का काम करती हैं. द अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 1.5 टू 2 लीटर. एक हेल्दी ह्यूमन पूरे दिन में 1.5 लीटर से 2 लीटर यूरिन रिमूव करता है अपनी बॉडी से. आवर किडनीज फिल्टर अबाउट 1.3 लीटर ऑफ ब्लड एवरी मिनट. हमारी किडनीज पर मिनट यानी हर एक मिनट में 1.3 लीटर ब्लड प्योर करती है, फिल्टर करती है. नेक्स्ट इज लिवर. द लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारा लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा
इंटरनल ऑर्गन है. इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द स्टमक ऑन द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी. हमारा लिवर हमारे स्टमक के ठीक बगल में राइट साइड में प्रेजेंट होता है. इट इज डार्क रेडिश इन कलर, यानी हमारा लिवर डार्क रेड कलर का होता है. द लिवर सिक्रीट्स बाइल विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट. हमारा लिवर बाइल नाम का जूस सिक्रीट करता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. इट कंट्रोल्स द शुगर लेवल एंड हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. लीवर हमारे बॉडी से शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है. द लीवर ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वेट अबाउट 1.5 kg. एक अडल्ट ह्यूमन यानी बड़े इंसान का लीवर 1.5 kg का होता है. नेक्स्ट इज द स्टमक. द स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गेन. हमारा जो स्टमक है उसका शेप जे अल्फाबेट की तरह होता है. इट इज फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी. हमारा स्टमक हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. इट स्टोर्स द फूड विच वी ईट एंड हेल्प्स इन डाइजेशन. हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे स्टमक में स्टोर होता है और डाइजेस्ट होता है. द फूड इज पास्ड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन. स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट होता है और जहाँ पर आगे डाइजेशन होता है. द एवरेज ह्यूमन स्टमक कैन कंफर्टेबली होल्ड अबाउट अ लीटर ऑफ ब्लड. एक ह्यूमन का स्टमक लगभग 1 लीटर ब्लड होल्ड कर सकता है, यानी उसमें 1 लीटर ब्लड हो सकता है. नेक्स्ट इज इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज द स्टमक. हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है. इट इज अराउंड 5 मीटर लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर लॉन्ग होता है. इट इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन बट स्मॉलर इन डायमीटर. हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है, लेकिन बहुत कम जगह में होता है, उसका डायमीटर बहुत कम होता है, इसलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. आवर फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा फूड हमारे फूड का ज़्यादातर भाग स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन फॉलोज द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन होता है. इट रिसीव्स द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डाइजेस्ट हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट होता है. इट एब्जॉर्ब्स द वाटर दैट द फूड कंटेन्स एंड एलिमिनेट्स द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर आउट ऑफ द बॉडी. जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट होता है उसमें प्रेजेंट वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है. नाउ ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, स्किन, आईज, ईयर, नोज एंड टंग. सेंस ऑर्गन्स ही हमें हमारे आसपास के सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं. देन ऑर्गन सिस्टम. वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी. मैंने आपको बताया कि जब कई सारे ऑर्गन एक साथ किसी काम को करते हैं तो उन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. हमारी बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से फर्स्ट है द स्केलेटल सिस्टम, सेकेंड द मस्कुलर सिस्टम, थर्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, फोर्थ द रेस्पिरेशन सिस्टम, फिफ्थ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, सेवन द नर्वस सिस्टम, एट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट वी विल नो अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. ऑर्गन्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं स्केलेटल सिस्टम में. ऑल द 206 बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन. यानी हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं
और ये सभी बोन्स मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। फंक्शंस क्या क्या है स्केलेटन सिस्टम के? वी कैन नॉट वॉक और रन विदाउट बोन्स। हम बिना बोन्स के ना चल सकते हैं ना दौड़ सकते हैं। दिस सिस्टम गिव्स स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, यानी स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और शेप देता है। इट प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम इंजरी। हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द रिबकेज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ये जो रिबकेज होता है ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी के अंदर हमारा लंग और हार्ट प्रेजेंट होता है। बोन मैरो इनसाइड द बोन्स हेल्प प्रोड्यूस ब्लड। हमारे बोन्स अंदर से हॉलो होते हैं यानी खाली होते हैं। इनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है जो ब्लड बनाने में हेल्प करता है। द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। जहाँ पर दो बोन्स मिलते हैं उसे जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स की लेयर पाई जाती है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज करने में और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इन्हें ही हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन्स इन्वॉल्व, यानी मस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? ऑल द मसल्स इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स प्रेजेंट है सब मस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। फंक्शन क्या क्या है मस्कुलर सिस्टम का? मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी। मसल्स भी हमारी बॉडी को शेप देते हैं। मसल्स अटैच टू बोन्स एनेबल द बॉडी टू मूव, वर्क एंड डू अदर एक्टिविटीज। जो मसल्स हमारे बोन से अटैच हैं वो हमें मूव करने में, वर्क करने में और दूसरी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स, यानी मसल्स कितने टाइप के होते हैं? मसल्स तीन टाइप के होते हैं, वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स एंड हार्ट मसल्स। व्हाट इज वॉलेंटरी मसल्स? द मसल्स विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। ऐसे मसल्स जिन्हें हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं उन्हें हम वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे हमारे लेग की और हैंड की मसल्स होती है उन्हें हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स, द मसल्स विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स। ऐसे मसल्स जो हमारी मर्जी से ना चलकर खुद चलते हैं उन्हें हम इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। दे वर्क बाई देमसेल्व, वो खुद ही काम करती हैं। आवर स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा स्टमक सिकुड़ता और फैलता है डाइजेशन के टाइम पर। दिस एक्शन इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। Hence it is named as involuntary muscles. इसीलिए इसे involuntary muscles कहा गया है। Next is heart muscles. Heart muscles are special involuntary muscles. Heart muscles एक तरह की involuntary muscles होती हैं। Due to contraction and relaxation of heart muscles के सिकुड़ने और फैलने से ही heart beat. नेक्स्ट इज हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स आर स्पेशल इनवॉलेंट्री मसल्स। हार्ट मसल्स भी एक स्पेशल तरह की इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, यानी खुद से चलती हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उन पर। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स हार्ट बीट अकर्स। हार्ट के सिकुड़ने और फैलने से ही हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। यहाँ आप देख सकते हो ये माउथ है। जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो माउथ से ये फूड फिर हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप से फिर फूड स्टमक में जाता है। स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस इज 9 meters लॉन्ग। यानी ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वो माउथ से लेकर एनस तक 9 meter लॉन्ग होता है। फंक्शन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या काम है? द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड वी ईट इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी फूड हम खाते हैं उसे छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाई द बॉडी टू गिव एनर्जी। डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस एनर्जी हेल्प अस टू स्टडी, वर्क, प्ले एंड ग्रो। ये एनर्जी हमें पढ़ने में, खेलने में, काम करने में और ग्रो करने में हेल्प करती है। फंक्शंस क्या क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के? द रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स इन ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को अंदर लेता है जिसका यूज हमारी बॉडी रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए करती है एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। लंग्स एक्सपैंड व्हेन वी टेक इन एयर एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी गिव आउट। हमारे लंग्स फैलते हैं, एक्सपैंड करते हैं जब हम सांस अंदर खींचते हैं और कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ते हैं जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। ब्रीदिंग प्योरीफाइज आवर ब्लड एंड हेल्प अस टू ऑब्टेन एनर्जी। ब्रीदिंग हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन किडनी। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी इन्वॉल्व है। फंक्शन क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी आर थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हम जो खाना खाते हैं, जब उनमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बचे हुए प्रोडक्ट को हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं और उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी हेल्प करता है। दस किडनीज थ्रो आउट वेस्ट मटीरियल आउट ऑफ आवर बॉडी एज यूरिन। जो किडनी है वो हमारे यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालती है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कीप्स द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट यूज होता है और जिन नसों से ब्लड जाता है वो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। ब्लड वेसल्स यूज होती हैं और ब्लड यूज होता है। फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना। थ्रू दिस ब्लड सर्कुलेशन डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन रिच द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से और ब्लड के पूरे बॉडी में पहुंचने से ही जो डाइजेस्टेड फूड है वो और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच पाता है। दिस सिस्टम आल्सो कैरीज बैक ऑल द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक ब्लड वेसल्स हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं और एक ब्लड वेसल पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम एक ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 liters ऑफ ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड, बीच में जो आपको ये दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इसे, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है
और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स जाती हैं पूरी बॉडी में, और नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट करने में और रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द बॉडी, यानी नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। द ब्रेन इज कॉल्ड द कंट्रोल रूम, हम ब्रेन को कंट्रोल रूम भी कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज करने के लिए हमारा ब्रेन बॉडी पार्ट्स को मैसेज भेजता है। इट इज कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से पूरी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है नर्व्स के थ्रू। द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेजेस फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स, हमारे ब्रेन को हम नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी से सिग्नल्स मिलते हैं और हमारा ब्रेन सिग्नल्स पूरी बॉडी को भेज भी सकता है। द नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू थिंक स्पीक एंड रिमेम्बर, हमारा नर्वस सिस्टम हमें सोचने बोलने और याद रखने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू लर्न, ये हमें सीखने में भी मदद करता है, मतलब जब भी हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट करना होता है हमें या किसी भी चीज़ को देखकर रिस्पॉन्ड करना होता है तो हमारा ब्रेन उस बॉडी पार्ट को सिग्नल भेजेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी गर्म बर्तन को छू लिया तो हमारे हाथ से नर्व ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाएंगी कि हाथ जल रहा है, फिर ब्रेन नर्व के थ्रू हमारे हाथ को ये सिग्नल देगा कि हमें हाथ हटाना है। नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द सिस्टम प्रोड्यूसेस बेबीज, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ऑन अर्थ। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि सभी लिविंग बींग्स जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स नए पौधों को, नए बच्चों को और नए जानवरों को जन्म देते हैं और उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो सिस्टम हेल्प करता है उसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही नए लाइफ को जन्म देना पॉसिबल होता है। That's it for today's class, students. Thank you for watching.